हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल दैट इज विपिन शर्मा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स सो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे कई बार एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं दैट विच पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंट्रोलिंग सम काइंड ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स विच आर नोन एज पेस्ट इसका मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पेस्ट यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको ईट करते हैं या फिर उनको ख़त्म करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पूछे जाते हैं प्री मेडिकल टेस्ट में सो so स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स यानी कि माइक्रोब्स का बायो कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे क्या महत्वपूर्णता है तो सबसे पहले तो ये बात सोचें कि बायो कंट्रोल आखिर होता क्या है बायो कंट्रोल मतलब कि हमें कंट्रोल करना है किस चीज़ को डिजीज़ कॉजिंग पेस्ट को प्लांट डिजीज जो होती हैं यानी कि प्लांट्स में जो डिजीज होती हैं और उनको कॉज करने वाले पेस्ट जो होते हैं उनको रोकना यानी कि उनको कंट्रोल करना बाय यूजिंग बायो दैट इज़ बायोलॉजिकल मेथड्स यानी कि कुछ नेचुरल बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करके अगर हम प्लांट की डिजीज़ और उनके पेस्ट को रोक सकते हैं दैट इज़ नोन एज़ बायो कंट्रोल और वो किया जाता है माइक्रोब्स की मदद से सो so, हमें पता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो हम इंसेक्ट्स को भगाने के लिए या फिर पेस्ट को मिटाने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वीड्स जो होते हैं जो कम्पीट करते हैं फॉर फूड एंड सनलाइट उनको हटाने के लिए हम वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं तो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं सचैस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं यानी कि ये हार्मुल होते हैं ह्यूम्स के लिए भी काफ़ी सारे एनिमल्स के लिए भी ये क्रॉप को भी पॉल्यूट कर देते हैं क्योंकि जब हम इंसेक्ट्स को मारने के लिए कोई इंसेक्टीसाइड या पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो वो क्रॉप में जाएगा सॉइल में भी जाएगा ग्राउंड में भी जाएगा और वाटर्स के थ्रू हो सकता है किसी वाटर बॉडी में भी चला जाए तो ये काफ़ी चीज़ों को पॉल्यूट करते हैं सच एज क्रॉप वेजिटेबल फ्रूट्स और एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं क्योंकि ये सॉइल में भी जा रहा है ग्राउंड में भी और वाटर में भी सो so, इनमें कुछ जो पॉल्यूटिंग रोल है या फिर जो टॉक्सिसिटी का रोल है उसमें विडिसाइड्स भी काम करते हैं कहने का ये मतलब है जो केमिकल चीज़ें हैं यानी कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वीडिसाइड्स ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है तो एग्रीकल्चर में इन एग्रीकल्चर कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो नेचुरल प्रोडेशन पे काम करते हैं अब ये क्या चीज़ है नेचुरल प्रोडेशन अगर ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है और हमें इसे मारना है क्योंकि ये डिजीज कॉज कर रहा है इन प्लांट तो हम इसकी प्रिडेशन करवा देंगे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इस ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो इसको खाता है सो तो ये ऑर्गेनिज्म इस पर नेचुरली प्रिडेट करेगा और इस ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देगा और जब ये ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी जो ये वाला ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा था तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं इन एग्रीकल्चर जो कि वर्क करते हैं ऑन नेचुरल प्रिडेशन और इसकी वजह से क्या होता है कि केमिकल्स का उपयोग हमें कम करना पड़ता है इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक मूल मंत्र है और वो मंत्र है बायोडाइवर्सिटी फरदर्स हेल्थ अगर हमें हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाना है अगर हमें हमारे एनवायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए यानी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज़म्स या फिर नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ प्रजेंट इन अ पर्टिकुलर एन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने चाहिए जब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स होंगे तो जो फूड चेन्स हैं फ़ूड वेब्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज़म की डेफिशिएंसी नहीं होगी किसी भी ऑर्गेनिज़म को हम किल नहीं कर रहे इन ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी हेल्दी है और इससे हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी बनता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या कहना है मतलब कि मोर वैरायटी ऑफ लैंडस्केप एक पर्टिकुलर गिवन लैंड में जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगी जितनी ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होंगी जितने ज़्यादा नंबर प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा वो एनवायरमेंट सस्टेनेबल होगा उतने ही ज़्यादा वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे तो वो फूड चेंज और फूड वेब्स को अच्छे से संभाल पाएंगे और उसके कारण वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होगा बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल होगा टू लाइफ अब ऑर्गेनिक फार्मर फार्मिंग जो है इसमें हम पेस्ट को इरेडिकेट नहीं करते यानी कि हम पेस्ट को किल नहीं करते हम इसमें पेस्ट को किल नहीं करते हम उन्हें बचा कर रखते हैं अप टू अ मैनेजेबल लेवल एक ऐसा लेवल जिस तक हम उसे मैनेज कर सकते हैं यानी कि जिस लेवल तक वो हमें हार्म नहीं कर रहा उस लेवल तक हमें उसे मैनेज करना है और इसके लिए हम बार बार उन्हें चेक करते हैं और उनकी ग्रोथ को बैलेंस करते हैं और ये सब किसके अंडर अंतर्गत हो रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर हो रहा है इसमें हम पेस्ट को इरेडिकेट नहीं करते यानी कि मारते नहीं हैं सो so, एक लिविंग और वाइब्रेंट इकोसिस्टम के अंदर यानी कि लिविंग सराउंडिंग के अंदर नेचुरल एन्वायरमेंट के अंदर हम उन चीज़ों को मैनेजेबल लेवल पर रखते हैं और उन्हें बार बार चेक करते हैं उनकी ग्रोथ को बैलेंस करते हैं और इस तरीके से हम पेस्ट को बिना मारे भी लाइफ वहां पर ला सकते हैं और डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं इसके जस्ट अपोजिट इसके जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीज़ें थी वो कही कन्वेंशनल फार्मिंग ने कन्वेंशनल फार्मिंग का ये कहना था कि हम केमिकल्स यूज करेंगे और जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि केमिकल्स आर टॉक्सिक जब हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो ये किल कर देंगे डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्ट को और पेस्ट को किल करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जो ऑर्गेनिज्म उनको खाते थे ओके okay? तो जब हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे तो उन ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा जो उन्हें खाया करते थे तो इसीलिए लिए बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं हार्म करता है कौन कन्वेंशनल फार्मिंग तो इसके लिए क्या ज़रूरी था कि हमें इसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी थी अपनी फ्लोरा एंड फोना की और उनके इंटरेक्शन की और वेब्स की क्योंकि हम जब ये सोचेंगे कि हाँ यार ये जो ऑर्गेनिज़म्स थे कहीं ना कहीं फ़ूड चेन और फ़ूड वेब को कंप्लीट कर रहे थे तभी हम उनकी इम्पॉर्टेंस को समझ पाएंगे वो सिर्फ हार्मफुल नहीं हैं वो बेनिफिशियल भी हैं किसी की फ़ूड चेन कंप्लीट करने में तो ये बायोडाइवर्सिटी को हार्म करते हैं इसीलिए हमें उन्हें किल करना ज़रूरी नहीं है इसीलिए कन्वेंशनल फार्मिंग जो थी उसमें हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इंटरेक्शन के बारे में कि डिफ़रेंट जो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और कैसे एक दूसरे पर फीड करते हैं विच इज़ नोन एज फूड चेन एंड फूड वेब इसके बारे में हम डीप में इकोलॉजी में पढ़ेंगे सो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो सजेस्ट करती है कि इरेडिकेशन पॉसिबल है लेकिन वो अनडिज़ायरेबल भी है ज़रूरी नहीं कि किसी डिजीज़ को रोकने के लिए हमें उस पेस्ट को मारना ही पड़े हम बिना उस पेस्ट को किल किए मैनेजेबल अमाउ अपाउं अमाउंट पर उसको रख के भी हम अपने टेस्ट कर सकते हैं और हम डिजीज़ को रोक सकते हैं सो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो थी वो केमिकल्स का यूज़ नहीं करती थी कन्वेंशनल फार्मिंग जो थी वो केमिकल्स का यूज़ करती थी ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जो पेस्ट को नहीं मारेंगे लेकिन कन्वेंशनल फार्मिंग में बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स पेस्ट मर जाते थे और ऑर्गेनिक फार्मिंग ने ये कहा था कि दिस इज़ अनडिज़ायरेबल बेस्ट को मारना अनडिज़ायरेबल है क्योंकि वो फूड साइकिल्स को मेंटेन करते थे अब अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है और इस पे फीड करने वाला ये ऑर्गेनिज्म है जब हम इसे मार देंगे और किल कर देंगे तो ये ऑर्गेनिज्म जो है भूखा मर जाएगा जब हम सारे ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को हार्म पहुँचा रही है कहीं ना कहीं फ़ूड साइकिल को डिस्टर्ब कर रही है और जो होस्ट ऑर्गेनिज्म थे और जो प्रीडेटर्स प्रे जो रिलेशनशिप है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को मारने से सब बात करते हैं बायो कंट्रोल मेजर्स की बायो कंट्रोल मेजर्स में कौन कौन से मेजर्स आते हैं ये हम देखते हैं अभी बायो कंट्रोल मेजर्स यानी कि बायोलॉजिकल मेथड्स को इस्तेमाल करके अगर हम किसी पेस्ट को रिमूव करते हैं तो उससे केमिकल्स पे हमें डिपेंड नहीं होना पड़ता अगर हम नेचुरल वे में किसी पेस्ट को रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें जाहिर सी बात है केमिकल्स का उपयोग नहीं करना पड़ेगा तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि केमिकल्स जो हैं काफ़ी टॉक्सिक होते हैं तो हम यहाँ पर टॉक्सिसिटी का लेवल डिक्रीज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे लिए एक अच्छा उपाय है पेस्ट को हटाने के लिए अब बायो कंट्रोल मेजर्स के काफ़ी और भी फंक्शन थे इससे हम फेमिलियर होना चाहते थे वेरियस लाइफ फॉर्म्स के बारे में अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो उन डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड कर रहे हैं तो हम इनकी लाइफ फॉर्म्स के बारे में कि ये कैसे हैं ये कैसे लैंड को इनहेबिट करते हैं और पेस्ट और प्रीडेटर दोनों के बारे में जानने को मिलता था और पेस्ट और प्रीडेटर में हम क्या क्या जान सकते थे बाय बायो कंट्रोल मेजर्स उनकी लाइफ साइकिल्स उनके पैटर्न ऑफ फीडिंग कि ये कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इन लाइफ और उनके हैबिटेट्स कि वो कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं कहाँ कहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं सो हमें क्या करना था एक अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल डेवलप करना था क्योंकि बायो कंट्रोल मेजर्स के सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो यही है कि हम एक पर्टिकुलर प्लांट जिसमें डिजीज़ कॉज करने वाला जो पेस्ट है उसके बारे में जाने उसकी लाइफ साइकिल के बारे में जाने उसके लाइफ फॉर्म के बारे में जाने उसकी फीडिंग और उसकी हैबिटेट और हैबिट्स के बारे में जाने और सेम की सेम चीज़ हम जानेंगे उस पर डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में सो so ये जो हमें थी हमारे बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानने में मदद करती थी और जब हम इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान जाएंगे तो हम इन्हें आसानी से इरेडिकेट कर पाएंगे बाय यूजिंग बायो कंट्रोल मेजर्स क्योंकि जब हम इनकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानेंगे इनके लाइफ पैटर्न्स को जब हम समझ लेंगे तो हम एक ऐसा नेचुरल जो है उपयोग ला पाएंगे एक ऐसा नेचुरल मेथड हम अपना पाएंगे जिससे पेस्ट आसानी से रिमूव हो जाए बिना उसे किल किए या फिर कई बार किल जो हो तो प्रिडेशन से हो यानी कि नेचुरल लेवल में नेचुरल बेसिस पे हमें उसे केमिकल के यूज से किल ना करना पड़े दिस इज अबाउट बायो कंट्रोल मेजर्स सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनके सारे एग्जाम्पल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो कई बार पूछे जाते हैं घुमा के सो so हम जो है उनके बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे उनके एग्जाम्पल्स और वो कैसे एक दूसरे पर एक्ट करते हैं सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अलाट इन योर एग्जामिनेशन थैंक सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं देन इट सब्सक्राइब बटन शेयर दिस वीडियो विद यर फ्रेंड्स और अगर आपको वीडियो पसंद आए देन हिट लाइक बटन थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस